बड़े ठाकुर लोकसभा सीट के लिए एसडीपीआई ने निकाली अपने उम्मीदवार की रैली। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई जी। आज जो हमारे प्रत्याशी जो मौलाना आबिद हुसैन इनके समर्थन में जो आज हमने रोड शो किया है मेरठ सिटी में, तो काफ़ी जगह बहुत आश्वासन दिया है कि भारी तादाद में हम वोट देंगे और काफ़ी लोगों ने हमें कहा है कि आप चिंता मत करना, हम पूरी तरह आपके साथ। अच्छा, जिस तरह से कई जगह स्वागत भी हुआ है बड़े जोर जोर है, इस्लामाबाद में, लखीमपुर में, अचल्लापुर में, अन्य जगहों पर कई जगह भारी स्वागत किया गया है। जिस तरह से भारी समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि हम जीतेंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार? यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारी पार्टी और हमारे कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो हम भारत के अंदर इंसाफ कैम करेंगे। इंसाफ आज इंसाफ है का? किसानों को देख लो, किसानों को क्या इंसाफ मिला है? 800 किसान शहीद हो गए। सरकार कहती रही कि हमें पता ही नहीं लगा, सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे आंदोलन चलता रहा, तो ये जुल्म है। तो हम जो पार्टी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं कि हम इंसाफ कैम्प करेंगे, किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई भी हो देश के अंदर, सबको साथ मिलाएंगे। मौलाना आबिद हैं, पूरी तरह से लोगों से जुड़ के चल रहे हैं, एक तरह से एक मैसेज दे रहे हैं इस कैंपेन के जरिए, पार्टी का एक मैसेज जा रहा है, तो लगातार इस लोगों में जो लोकप्रियता बढ़ रही पार्टी की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में यही है कि आने वाला जो कल है और जिस तरीके से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, इसकी भारी तादाद में हमारी रोड शो हो रहा है, तो निश्चित ऐसा है कि हम सत्ता में आएंगे जी, और आने वाला कल हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद आबिद ने कहा कि उनका रोड शो काफी कामयाब रहा। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वह इस इलेक्शन में भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे, उन्हें जनता का फुल सपोर्ट मिल रहा है। वहीं जिस तरह से एसडीपीआई ने मेरठ में इस बार पूरी तरह से अपने कदम मजबूत किए हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले भविष्य में एसडीपीआई का जो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी के साथ साथ एसडीपीआई अपने कदम मजबूत करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। वेस्ट इंडीज के लिए मैं शाविर सिंह दे रही हूँ।